Assalamu alaikum and welcome back to the channel once again. This is Tasavvur Hussain. You are watching my YouTube channel. I am Tasavvur. और एक दफ़ा फिर से हम निकल रहे हैं लॉन्ग टूर के लिए और इस दफ़ा हम जिस गाड़ी में जा रहे हैं दैट इज़ चेरी टिगो 4 प्रो. लास्ट टाइम हम गए थे इस वीक में और यस हम दोबारा से इस्लामाबाद जा रहे हैं. काफ़ी दिनों से ड्यू था ये, काफ़ी फॉग थी तो मोटर वगैरह बंद थी. कुछ 3 हफ्ते से मैं खुद बीमार था. सो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फीलिंग मच बेटर. सो टुडे इज सैटरडे एंड वी आर गोइंग टू इस्लामाबाद अगेन. ऑल थिंग्स आर रेडी, तो बस अभी जाके फ्यूल करवाएंगे और फिर वहीं से रिंग रोड से सीधा मोटरवे इस्लामाबाद. और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए आए हैं. और चले अभी ट्रिप है 3786.4 और 17 और 26 33 लीटर फ्यूल जो है वो अभी इसमें हुआ है. अभी हम ओए होए हवा इतनी कम थी, 14 थी. ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं अगर आप लॉन्ग टूर पे जा रहे हैं, especially if you are with family. साढ़े तीन बजे सफर शुरू. इस्लामाबाद मोटर पे जाने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप लोग रिंग रोड ज्वाइन करें और सीधा काला शका को निकल जाएं. लेकिन अगर आपने मुल्तान मोटर पे जाना है तो फिर आपको शहर के अंदर से जाना पड़ेगा. तो अभी हम लोग रिंग रोड स्टार्ट किया है फ्रॉम DHA. बस अभी होपफुली 30 मिनट्स में हम काला शका को पहुँच जाएंगे और फिर हम इस्लामाबाद मोटर पे को ज्वाइन करेंगे. रिंग रोड से आपने लेफ्ट टर्न लेना है आपने सियालकोट मोटर वे के लिए बेसिकली. यहाँ से रिंग रोड का इख्तिताम हो जाएगा और सियालकोट मोटरवे स्टार्ट हो जाएगी. ये हमारी कार है और ये हमें और ये हमारी पार्टी हो रही है. अप्रोक्सीमेटली कोई सियालकोट मोटरवे का 10 से 15 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद आप लोगों को एक साइनबोर्ड नजर आएगा काला शका को इस्लामाबाद के लिए. वहाँ से आपने होना है लेफ्ट 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 और ये सीधा कनेक्ट करेगी आपको जीटी रोड पे और मोटरवे दोनों पे. जीटी रोड पे भी काला शका के पॉइंट पे और मोटरवे पे भी काला शका को इंटरचेंज पे. सो इट्स क्वाइट कन्वीनियंट और इजी कि आप रिंग रोड से इस्लामाबाद मोटरवे को कनेक्ट कर सकते हैं. रिंग रोड से आप कहीं से भी एंटर हो और लेकिन मुल्तान मोटरवे के लिए आप कनेक्ट नहीं कर सकेंगे. जो उसके लिए आपको शहर के अंदर से जाना पड़ेगा. अब 3:36 पर हम लोग रिंग रोड पर एंटर हुए थे, अभी 4 बज गए हैं. तो जस्ट इन 25 मिनट्स हम लोग काला शका को पहुंच गए हैं. अगर आप शहर के अंदर से हैं तो 25 मिनट्स में आप ठोकर भी नहीं पहुँचते DHA से. आई एम टॉकिंग अबाउट DHA. इट्स क्वाइट कन्वीनियंट. आपने को अगर नहीं पता तो आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिए. चेक 5:32 और 3:36 पे गलबन हम स्विगेस इंटरचेंज से हम रिंग रोड पर एंटर हुए थे. 2 आवर्स वी जस्ट रीच पेरा, हम सबका फेवरेट रेस्ट एरिया पेरा. नॉर्मली स्पीड जो अलाउ है मोटर पे वो 120 से 130 तक वो जाने देते हैं, चलाने होता तो हम भी एवरेज 125-26 पे आए हैं. और 2 घंटे में हम फ्रॉम DHA टू पेरा. अगर आप शहर के अंदर से आएंगे तो आपको 3 घंटे लग जाएंगे यहाँ आने में. मगरिब की अजान भी हो रही है और कुछ खाने को देखते हैं. अभी स्टे किया छोटा सा मैकडॉनल्ड्स पर
तो बस ब्रेकफास्ट ही किया एक तरह से, बिकॉज दोपहर को उठ के तो बस हम मैं निकलाया था, अभी भेरा से हम निकलते हैं तो 5:30 पहुँचे थे, तो अभी 6:15 हो रहे हैं, तो 2 घंटे यहाँ से मज़ीद इस्लामाबाद और आगे आई गेस 9:15 तक इंशाल्लाह ताला हम लोग पहुँच जाएंगे अपने रेस्ट हाउस। सी यू। अब रास्ते में देखते हैं, कलर कार दिखाता हूँ आपको मैं। टाइम चेक 6:36 3 आवर्स। मजे की ड्राइव होती है इधर ही। टाइम चेक इट्स 7:42 और हम इस्लामाबाद मोटरवे टोल प्लाजा पे पहुंच चुके हैं। 6:30 निकले थे हम वहां से और बिल्कुल ठीक आए हम अपने टाइम से, बल्कि थोड़ा जल्दी आ गए क्योंकि गाड़ी हमने थोड़ी बगाई। तो बस अब हम जाएंगे इंशाल्लाह 9:45 तक हम अपने जो गेस्ट हाउस है वहाँ पहुँच जाएंगे, बहरिया इस्लामाबाद सफारी क्लब। अब बेगम लगाएंगे डेस्टिनेशन गूगल मैप। इधर हमारे अभी एमटेक नहीं लगा, हमने लगवाना था, मैं गया था एमटेक लगवाने, बड़ा मैं वीलॉग बना के गया था बल्कि, तो वो मुझे कहते सर आपकी कॉपी आएगी, मैं कहा नहीं, कहते फिर भाग जाए। तो अभी तक इसकी जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो नहीं आया, वंस वी गेट इट तो हम लगवाएंगे एमटेक, क्योंकि रिंग रोड और मोटरवे पे बहुत ज़रूरी और हमारी फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग है। Videos are not allowed at the checkpoint. आप जब टोल प्लाजा क्रॉस करते हैं ना। Alright. इस्लामाबाद टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद जो रेगुलर आते हैं सिर्फ उन्हें पता है कि हमने कहाँ मुड़ना है, अदरवाइज आप पेशावर को भी निकल सकते हैं। अभी थोड़ा सा तकरीबन 500 मीटर हमने स्ट्रेट। Seriously? हाँ जी। Okay. So ये भी हम 500 मीटर स्ट्रेट जाएंगे। टाइम चेक इट्स 9 PM और हम लोग अपने गेस्ट हाउस पहुँच गए हैं, सफारी क्लब बहरिया टाउन इस्लामाबाद। अभी खाना खाएंगे फिर अपनी नाइट शिफ्ट शुरू करेंगे, वो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, डे 2 इस्लामाबाद। रात को जब हम पहुँचे हैं तो उसके बाद से मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि थोड़ी बहुत थकावट थी क्योंकि उससे पिछली रात काम किया था, अगले दिन 2-4 घंटे सो गए तो फिर हम निकल आए थे, फिर कल रात को काम किया और कोई सुबह 2-4 घंटे की फिर नींद नहीं है। अभी पूरे 12 बजे और हम आ चुके हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद। अब ये देखें पीछे मॉडल हाउसेस बन रहे हैं, ये एक मॉडल हाउस जो है ये हम विज़िट कर रहे हैं, देयर सॉर्ट ऑफ सम ऑफिस वर्क ऑफ माई वाइफ, उनके ऑफिस का कुछ काम है। तो बस फिर सुबह भी कुछ इतना ख़ास भी लोग नहीं किया क्योंकि बस 2-4 घंटे सो के फिर उठे हैं, नाश्ता वगैरह किया और हम आ गए। नाश्ता जो सफारी क्लब था उसी में इंक्लूड था इन आर पैकेज। तमीराती काम ज़ोरों शोरों से जारी। आई एम नॉट
मार्केटिंग कैपिटल स्मार्ट सिटी, बस हम यहाँ आए हैं तो जस्ट आपको दिखा रहा हूँ। वैसे काफ़ी खूबसूरत व्यू है, थोड़ी हाइट पे अभी तो हम जिस थोड़ा साइड पर हैं, जो इनकी जहाँ पर इनका ऑफिस है ना उस साइड से इसका बड़ा खूबसूरत व्यू आता है, पार्क्स बनाए हैं। टाइम चेक अपडेट, तकरीबन 5 बजने वाले हैं। मैं गाड़ी में थोड़ी देर मैंने नैप ली थी, तो बेसिकली माई वाइफ इज़ इंटीरियर डिज़ाइनर, तो ये इनके ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट था उसको हम देखने आए थे। इन्होंने एक कोई मॉडल हाउस डिज़ाइन किया था, उसकी फिनिशिंग वगैरह जो डेडलाइंस हैं उसके लिए एक अच्छे हस्बैंड का फर्ज बनता है कि वो अपनी वाइफ को सपोर्ट करे। यस यू ऑल्सो डू। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक ऑन डे 3। डे 2 पे इतना ज़्यादा कुछ भी लोग मैंने नहीं किया था, सेम रूटीन थी बस। सोसाइटी में गए थे, हाँ सोसाइटी के मैंने कुछ फुटेजेस बनाई थी, वो मैं शायद इसी वीडियो में डाल दूँ या कल से वीडियो बना दूँ उसकी, वो देख लेंगे। थर्ड डे आज हम प्लान कर रहे हैं कि वापस घर जाएँ, बिकॉज इट्स बिन 3-4 डेज, गुगू से भी मुलाकात नहीं हुई, शी विल बी वेटिंग। अभी बस हम निकल रहे हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से अभी हम निकल रहे हैं, दोबारा अभी साइड पे ही जाएंगे चक्री, और फिर कोशिश करेंगे कि आज वहीं से डायरेक्ट लाहौर निकल जाएं, क्योंकि रात को काम करना है मैंने। अगर लेट हो गया तो फिर यहाँ से तो खैर हमने अब चेकआउट कर दिया, फिर सोचते हैं कि कहाँ रुकेंगे आज। वैसे हैं एक दो चीज़ें ऑलरेडी प्लान में, बस अभी जब निकलते हैं तो फिर मैं वाइफ से डिस्कस करके कन्फर्म कर लेंगे आज हमने क्या करना है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस तो यही है कि हम जाएंगे घर, अगर नहीं गए तो फिर कहाँ जाएंगे वो फिर हम फर्दर आपको वीडियो में दिखाएंगे। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू। ज़ालम किस्म का वेदर हो गया है, बारिश हो रही है और ठंडी यख बस हवा चल रही है। आई थिंक मरी में बर्फ़बारी जो हो रही है उसकी हवाएं आ रही हैं इधर को। बस अभी कोई 4:15 बजने वाले हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि अभी हम आज निकल सकेंगे लाहौर के लिए। निकलते हैं तो भी ठीक है, नहीं निकलते तो फिर हम देखते हैं कि आज हमने स्टे कहाँ पर करना है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। आज की रात हम गुजारेंगे कौन सा है, विस्परिंग पाइंस। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर हम लाहौर नहीं गए तो हम कहीं ना कहीं तो जाएंगे, तो सो वी हैव डिसाइडेड। ये पीरसवाहा मुनाल से ऊपर है, दिस इज अबू बकर। पहले मेरे साथ अब्दुल्ला था, अब्दुल्ला को रिप्लेस किया है अबू बकर ने। आइंदा भी हो सकता है यही मुझे आपको व्लॉग्स में नज़र आएंगे। तो ये हम पहुँचे हैं कोई रात के 10 बजे यहाँ पे। रास्ता बहुत ही मज़े का था, मैं ड्राइव कर रहा था तो रिकॉर्ड नहीं हुआ, सुबह दिखाएंगे हम आपको। और बड़े मज़े का मौसम है, धुंध हुई है, बस खाना शाना हमने अभी खाया, अभी मैंने जाके शिफ्ट करनी है रात की, तो सुबह दिखाएंगे हम आपको सारा कुछ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुबह के 10:30, सारी रात बारिश हुई है, बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की बारिश हुई है खा के। तो मेरा प्लान था सुबह फजर टाइम उठ के ना सारा एक विज़िट करने का, लेकिन बारिश होती रही है बस। ये अभी कोई आधा घंटा हुआ बारिश रुकी है तो हम उठे। टू मच सर्दी, टू मच, मुँह धोने को दिल नहीं कर रहा ठंडा पानी से, लेकिन अभी फ्रेश होते हैं ज़रा। रूम टू बोलते थे लेवल 6। अच्छा
सेंटर ओके, छोटा सा टीवी लाउंज, रात को इतनी सर्दी थी हीटर मैंने टेबल के ऊपर रख के काम किया, और हीटिंग के इन्होंने 3500 एम से ज़्यादा चार्ज किए हैं एक रात के, और बंदा बार बार कह रहा था सोते हुए बंद कर देना सोते हुए बंद कर देना। हाँ सुबह उसे लगा होगा कि ये सो जाएंगे अभी हमारे पैसे पूरे हो जाएंगे, मैं कहा नहीं, मुझे कि थोड़ी पता था कि मैंने सारी रात काम करना है। वॉशरूम है अच्छा है, उसमें इंस्टेंट गीजर लगा हुआ है, बस जो हेलो बकर ये जी हमारी तूफानी गाड़ी इसकी भी एक स्टोरी मैं सुनाऊंगा। ये था हमारा अपार्टमेंट स्वीट, तो मज़े की चीज़ है कि अभी रास्ता मैं आपको दिखाता हूँ, इस स्टीप रास्ते पे चेक करें कौन सी गाड़ी आके खड़ी है। आज तो ये हमारे सलमान भाई हैं, ये बकर आ गया सलमान भाई आज के हमारे गाइड हैं, हमें पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। अच्छा ये वो जगह जो रात को हम यहाँ पहुँचे थे, स्प्रिंग पॉइंट्स, ये एक छोटी सी टक शॉप, यहाँ से जो है हम आए थे रात को एंटर, और वहाँ से इधर गाड़ी पार्क की थी। ये है पीकॉक, यहाँ पे सिग्नल्स बहुत कम आते हैं नेटवर्क्स के, और इंटरनेट ये ख़ुद प्रोवाइड करते हैं सिर्फ दो बंदों को, और उसमें भी लिमिट होती है, आप अगली दफ़ा आएंगे वो नहीं चलेगा, वाउचर्स यूज़ करते हैं ये। ओके ये इनका मेन रिसेप्शन एरिया है, नीचे इनका डाइनिंग है जहाँ पे हमने कल रात खाना खाया था, मज़े का खाना था इनका, आई वॉज़ नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतनी हाइट पे इतना अच्छा खाना मिल सकता है। इधर भी हैं इनके रूम्स विलास, ये इनका लाइव बारबेक्यू, और ये इनका व्यू पॉइंट विस्परिंग पॉइंट्स। लुक एट द फॉग, और ये रास्ता जहाँ से हम आए थे और इधर से हम जाएंगे, इधर से हम जाएंगे, know that they ride or die, I keep boys by my side, know that they ride or die, I keep boys by my side. Day we hustle, but the night we OT boy. Know that they ride or die. I'm a OT boy. Know that they ride or die. I keep boys on my seat, boy. Know that they ride or die. Yeah, it's got top. उससे भी top view. Wow. मैं लग रहा है कहीं पे ना बारिश हो रही है नीचे इस्लामाबाद में, आई थिंक सो हो रही है। जो ये व्यू नज़र आ रहा है ना इसके मुताबिक कहीं बारिश हो रही है। ये विस्परिंग पाइंस, ये मुनाल से ऊपर डायनो वैली, डायनो वैली से 3 किलोमीटर आगे जो हाईलैंड रिजॉर्ट है उससे भी कोई
200-300 meters ऊपर है। अभी रास्ता हम आपको दिखाएंगे इसका कैसा है। वो तो नीचे मेन रोड है ना, जो टूवर्ड्स मनाल है पीर सुहा की तरफ। ओए ओए, बहुत ही मजे का एक्सपीरियंस था इसकी ड्राइव का। रात को मैंने फर्स्ट टाइम इस तरह की ड्राइव की है, टीम के साथ, और वो भी रात के टाइम। एंड आई वॉज टोटली इम्प्रेस्ड बाई द परफॉर्मेंस ऑफ चेरी टिगो 4। हम फुली लोडेड थे, 5 लोग और फुल पैक सामान। My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot of sounds. 12 बजे दोपहर के और शदीद हाद सुन हुए पड़े हैं। विस्परिंग पाइंस एक अच्छी जगह है। बहुत ही मजे का मौसम है, ना ठंडा। हेलो गाइस, ये वो रास्ता, स्टीप रास्ता जो मैं बता रहा था। रात को हम अंधेरे में हमने ट्रैवल किया था, और अभी हम नीचे तरफ जा रहे हैं। गाड़ी मैंने मैनुअल ट्रांसमिशन में पहले गियर में रखी है, और जो इसका डाउन हिल सिस्टम वो भी एक्टिव किया है। तो गाड़ी बड़े ही स्मूथ से इंजन ब्रेकिंग पर जा रही है। ये देखिए आप स्टीप है, कैमरे में हो सकता है इतना स्टीप नजर ना आ रहा, बट इट्स साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूल फेंक के मारो, या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।